नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी .com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले में हालात को देखते हुए यहां महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई। इसकी जगह नूह पलवल बॉर्डर पर पलवल जिले के पौंडरी गांव में हिंदू महापंचायत की इजाजत दी गई। बता दें कि पलवल प्रशासन ने महापंचायत के लिए कई शर्तों के साथ परमिशन दी। पलवल के SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी शर्त में कहा गया है कि कोई हेट स्पीच नहीं देगा, अगर हेट स्पीच दी तो तुरंत केस दर्ज करेंगे। कोई हथियार या लाठी डंडा या फिर ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं आएगा। इसके अलावा इस महापंचायत में 500 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी गई और 2 बजे तक का समय दिया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंदू महापंचायत में मेवात के नूह में हिंसा की वजह से रोकी गई ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा करने पर फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूह में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 2 होमगार्ड, 1 इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही बता दें कि हरियाणा सरकार ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार शाम को नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं पर लगी रोक को 13 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया गया कि नूह उपायुक्त द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण बने हुए हैं। NCP प्रमुख शरद पवार और बागी गुट का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता अजीत पवार ने कल शनिवार को पुणे में एक कारोबारी के आवास पर मुलाकात की। वहीं दोनों की इस मुलाकात से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शरद पवार और अजीत पवार की इस मुलाकात को लेकर NCP नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि NCP के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चयंत पाटिल भी इस बैठक में शामिल रहे। गौरतलब है कि पिछले महीने अजीत पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर BJP शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन में शामिल हो गए थे और उनके साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। NCP नेता शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए रविवार 13 अगस्त को कहा कि जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और PM नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं तो ये दोनों क्यों नहीं मिल सकते। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये तक कह दिया कि शायद शरद पवार ने अजीत पवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने का न्यौता दिया होगा। संजय राउत से सवाल पूछे जाने पर कि शरद पवार और अजीत पवार की बैठक हुई ऐसी खबरें हैं, हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात पर कोई बयान सामने नहीं आया। इसके जवाब में संजय राउत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब नवाज शरीफ और PM नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं तो शरद पवार और अजीत पवार क्यों नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि शायद शरद पवार ने अजीत पवार को न्यौता दिया होगा कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं होते। मुलाकात पर शायद 1-2 दिन में पवार साहब अपनी बात रखेंगे। BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनकी सोच को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे चाहते हैं कि सशस्त्र बल मणिपुर में नागरिकों पर गोली चलाएं। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि यदि अनुमति दी जाए तो सेना 2 दिन के भीतर शांति बहाल कर सकती है। अब कांग्रेस नेता के इसी बयान पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि सेना भारतीयों को गोली मारे। BJP नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी न देश को समझते हैं न राजनीति समझते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि जैसे आइजोल में उनकी दादी ने बम गिराए थे ऐसा ही हो, ये नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश है और राहुल गांधी की सोच ही लोकतांत्रिक नहीं है। BJP नेता ने कहा कि राहुल गांधी अब भारत माता की हत्या की बात ना करें। आपके पुरखों ने एक बार भारत का विभाजन कर दिया, अब नहीं होगा। अब देश मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल शनिवार 12 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया और उनके साथ हुई दुखद घटना के बारे में बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में जो अनुभव किया वह पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वहां हर जगह खून है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं और हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर में ऐसे ही हालात हैं। मणिपुर में हजारों लोगों को परेशानी हुई, किसी का घर जला दिया गया है तो किसी के बहन के साथ बलात्कार किया गया है, किसी के भाई की तो किसी के माता पिता की हत्या कर दी गई। यह ऐसा है कि जैसे किसी ने पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी हो।
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि संसद में बहस के दौरान पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रियों ने खूब मौज मस्ती की। प्रधानमंत्री 2 घंटे 13 मिनट तक बोले। उन्होंने कांग्रेस, मेरे और भारत गठबंधन पर बात की, लेकिन वे मणिपुर पर केवल 2 मिनट के लिए बोले। राहुल गांधी ने आगे मणिपुर को फिर से एकजुट करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि बीजेपी सोचती है कि उन्होंने मणिपुर को नष्ट कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस ये नहीं समझते कि परिवार क्या होता है। वे ये नहीं समझते कि जितना अधिक वे आपको और मुझे अलग करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही करीब आएंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए 19वें दौर की बातचीत चुशुल मॉल्दो में 14 अगस्त को होगी। वहीं इससे 4 महीने पहले हुई 18वें दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। कोर कमांडर लेवल पर होने वाली इस बातचीत में भारत का जोर देपसांग और डेमचौक इलाके से सेना हटाने पर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन सीमा विवाद को सबसे कठिन डिप्लोमेटिक चुनौती बता चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है। करीब 3 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 15 जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने शनिवार 12 अगस्त को कहा कि वे तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। बता दें कि इस विधेयक को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं राज्यपाल के इस बयान पर सत्तारूढ़ डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राज्यपाल ने कहा कि देखिए, मैं इस विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से असक्षम महसूस करें। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कंपटीशन करें और बेस्ट बने। राज्यपाल ने राजभवन में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट ग्रेजुएशन 2023 में शीर्षक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान यह बयान दिया। राज्यपाल रवि ने कहा कि मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि मैं नीट विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। वैसे भी यह राष्ट्रपति के पास गया है क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है और यह ऐसा विषय है जिसे मंजूरी देने के लिए केवल राष्ट्रपति ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि एक मिथक फैलाया जा रहा है कि केवल कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा ने पिछले साल तमिलनाडु को नीट से छूट देने का प्रावधान देने वाला विधेयक पारित किया था। इससे पहले विधेयक को राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था। इस पर डीएमके की छात्र शाखा के नेता और पार्टी के प्रवक्ता ने राज्यपाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगले 10 महीनों में खबरें आएंगी कि पूर्व राज्यपाल आरएन रवि ने किसी मुद्दे पर राय दी थी। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बदल दिया जाएगा, तब तक अपना अहंकार जारी रखें। वहीं डीएमके की सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नीट मुद्दे पर राज्यपाल रवि पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अहंकारी बयान लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है, यह अभिभावकों को डराने वाला है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि राज्यपाल की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को हाथ मिलाने और संघर्ष को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा, कैबिनेट और मुख्यमंत्री के सलाह पर चलने की बजाय तानाशाही कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।